Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner and presently we are studying preparation of revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज डिविजिबल एज फॉलोज, 1/2 to A, 1/3 to B एंड 1/6 इज कैरेड टू रिजर्व. रिजर्व कोई पार्टनर थोड़ी होता है. तो इट इज लाइक दिस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू रिजर्व. रिजर्व को 1/6 जा रहा है, रिजर्व थोड़ी कोई पार्टनर है. तो जब भी प्रॉफिट होता है ए बी में बढ़ता है, 1/6 रिजर्व को जाता है. जब एडमिशन होगा किसी का नए पार्टनर का, रेशियो चेंज होगा तो खाली ए बी का रेशियो 1/2 to 1/3 बनेगा. इट इज लाइक दिस 1/2 to 1/3. तो इसको डिनोमिनेटर दोनों का 6 बना देंगे तो 3:2 बनेगा. तो इसके बाद ना क्वेश्चन में लिखा है कि सी ब्रिंग्स इन बी एडजस्टमेंट बी. सी ब्रिंग्स इन ₹5,000 पर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल. तो आपको ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. तो ओल्ड रेशियो 3:2 ए बी का है. सी 1/5 के लिए आ रहा है. 1 से 1/5 अगर टोटल फार्म का शेयर प्रॉफिट का 1 है तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर सी एडमिशन इज इक्वल टू 1 - 1/5 = 4/5. ये 4/5 को 3/5, 2/5 में ए बी बांट लेंगे. 3/5 ए ले जाएगा, बी 2/5 ले जाएगा, सी का 1/5 × 5/5 ताकि तीनों का डेनोमिनेटर 25 बने. देयरफॉर द न्यू रेशियो बनेगा ए इज टू बी टू सी 12:8:5. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का होगा 3/25, बी का होगा 2/25. दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2. क्वेश्चन बढ़िया करके पढ़ लो. ये वर्किंग नोट नंबर 1 था. वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में आपको बताऊंगा. ये देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में दे रखा है. आप देखो एडजस्टमेंट सी, स्टॉक इज रिवैल्यूड बाय अंडर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. बैलेंस शीट में स्टॉक 18,000 दिख रहा है, ये 10% अंडर वैल्यूड है. तो क्वेश्चन पढ़ने टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट चीजें रह गया होगा उसको मार्कआउट करके उसको सॉल्व करके आगे प्रोसीड करना. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी स्टॉक 90% में अपियर कर रहा है. 90% के लिए 18,000 है, तो 1% के लिए कितना है, 18,000/90, और पूरा वैल्यू क्या है, × 100, यानी स्टॉक का वैल्यू 20,000 है. मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, ये पूरा देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी बैलेंस शीट में 90% दिख रहा है. अगर ओवर वैल्यूड में 10% होता तो 18,000/110 × 100 निकलता ओरिजिनल वैल्यू. तो यहाँ पे स्टॉक 20,000 होना चाहिए, रिवैल्यूएशन में बाय में स्टॉक 2,000 बढ़ाना और बैलेंस शीट में एसेट लिख देना क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन का. तो नाउ गो फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. मैं बताया था आपको तीनों इकट्ठे बनाना, कभी गलत नहीं होगा. बैलेंस शीट को आरजीटी कॉपी कर दो. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कैपिटल बैलेंस उतारो. ए बी का 50,000 40,000. एडजस्टमेंट ए, सी ब्रिंग्स इन 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल बाय कैश अकाउंट 25,000. एडजस्टमेंट टू, सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है 3:2 में. और ये कैश आपका हो गया 25 + 5 = 30,000. तो हमारा जो बैंक है 5,000 उसको तो यहां लिखना है, कैश अलग से लिख दो. अगर यहां पे बैंक करते तो बैंक में 30,000 ऐड कर देते. फिलहाल अलग लिख दिया, या बाय बैंक करके बैंक में ऐड कर दो. दोनों इक्वली करेक्ट है, बोथ आर इक्वली करेक्ट. इसके बाद आगे प्रोसीड करना. स्टॉक इज अच्छा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%. तो अंडर वैल्यूड बढ़ा दो स्टॉक को बाय स्टॉक. और रिजर्व है क्या वाला, देखो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है 10,000. बाय रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटना है, इस रेशियो में. नेवर कंफ्यूज
खाली गुडविल प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग में बटेगा ये वाला, तो रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा नहीं। स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, बाय स्टॉक 2000 और यहाँ पे लिखो, और स्टॉक को 2000 बढ़ा के लिखो, 18 के जगह पे 20,000 लिखो। देन क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए लाइबिलिटी ऑफ 4000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3200, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी 800 बाय क्रेडिटर्स 800, और क्रेडिटर को 800 कम करके लिखो, क्रेडिटर से 800 माइनस करो, 20,000 से 800 माइनस करो, क्योंकि कोर्ट ने 4000 का लायबिलिटी को 3200 बना दिया, तो हमें यानी हम पार्टनर्स को कम देना पड़ेगा 800 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया। तो इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल, तो एक्स का 2000 बैड डेट टू द फुल एक्सटेंट, टू बैड डेट एक्स का 2000, टू बैड डेट एक्स का 2000, और ये बैड डेट और वाई का ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे 50% ओनली, तो डाउटफुल डेट्स हो गया 4000 का 50% 2000, जो कि ये डेटर्स में इंक्लूडेड है 4000, उसे 2000 मिलेगा। ये दोनों को डेटर से इकट्ठे माइनस करो, ऑलरेडी 22,000 डेटर दे रखा है, इससे बैड डेट हो गया 2000, बैड डेट हो गया 2000 और डाउटफुल डेट हो 2000, तो हमारा मिलेगा हमें जो डेटर गुड है और पक्का जो देने वाले हैं वो है आपके 18,000। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो, क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा है 4000, इसको क्रेडिट साइड में उतारो और इसके 2800 माइनस करके 2800 आपके लॉस आ जाएगा 1200। बाय कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज टू बी 3:2 में, ए का 3/5, बी का 2/5, 3/5 और 2/5 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 720 480, और ये क्रेडिट साइड को टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो और टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिखो, और ये तीनों को यहाँ पे क्रेडिट साइड में उतार के इसको फाइनल कॉलम में इधर लिख दो। देन इसका अंदर जो खाली रह गया, बिल्डिंग खाली रह गया, भरो क्वेश्चन से, प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन से उतारो आज इट इज, देन बैंक 5000 वो भी क्वेश्चन से उतारो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन से उतारो, दोनों साइड टोटल कर दो। इज इट टैलिंग? यस दिस इज टैलिंग एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।